ठीक है, जैसे कि आपका सुबह आप लोग जब चंद्र प्रेम आता है 7 बजे कोचिंग खोल देता है, खोल देता है ना, और शाम के जब बंद करता है 8 बजे तक, तो कोचिंग का सुबह खुलना और शाम को बंद होना, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट, सुबह हो गई और शाम को कोचिंग बंद करते एप्लीकेशन एंड हो गई। ठीक है, ठीक है, पहला कंसेप्ट हुआ आपका आना, तो ऐसा नहीं आप 6 बजे आते हो शाम के इधर रहते हो, ऐसा नहीं है ना, आपका आना और जाना इट इज कॉल्ड सेशन और स्टार्ट सेशन ऑन डिफरेंस। आप तो आप तभी अस्तित्व जब एवरीथिंग स्टार्ट हो, आप तभी आ सकते हैं जब एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट, अगर एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं तो आप क्या करोगे आगे, आए समझ में नहीं। आप लोगों ने बोला था बीच में कि सर आपकी साइड नहीं चल रही है, और आप लोग हिट कर रहे थे, आपका हिट करना सेशन स्टार्ट होना, आपका हिट करना होना सेशन का स्टार्ट होना, सेशन का एंड होना, बाय मेरे थ्रू साइट को पब्लिश करना और उसको स्टार्ट करना, इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट और एप्लीकेशन एंड। ऐसे ही समझो आप, जैसे कि हम अपनी साइट को होस्ट कर देते, ठीक है, होस्ट करने के बाद किसी यूजर की जब रिक्वेस्ट जाती है, किसी यूजर की रिक्वेस्ट जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग यहां एक डिफरेंट सेशन बन जाता है। अलग ये अपने कंप्यूटर की एप्लीकेशन स्टार्ट है, जो ऊपर है ना अपर जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तभी सेशन स्टार्ट हो सकता है। अब यहां पर सेकंड यूजर क्या है, यूजर वन, यूजर आपके लिए अलग से सेशन, इंडिविजुअल आपका सेशन अलग। अब यहां पर तीसरा यूजर क्या, यहां पर सेलेक्ट किया, यहां पर ये आपकी आईएस की मेमोरी और मोबाइल सेशन ऑक्युपाइड मेमोरी IIS। फिर लॉजिकली खुद सोचो, आप लोगों ने अगर मेरी साइट पे हिट मारा है, अगर आप लोगों ने मेरी साइट पे हिट मारा है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने ASP सेलेक्ट किया हो और ड्रॉप डाउन इसमें ASP के ही टॉपिक आए हो, ठीक है, उसी दौरान आपने हिट किया, आपने edio.net का डाउनलोड किया, इसने खोला edio, मैंने खोला ASP, अब मैंने ASP से निकालना चाहा ग्रिड इनसाइड जिसकी ID 1 है, इसने edio.net से निकालना चाहा कनेक्टेड मोड उसकी ID 1 है। कभी आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वीडियो का इंसर्शन ही आएगा और तुम्हारे अकॉर्डिंग कनेक्टेड मोड भी आएगा, क्योंकि आपके लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपके लिए सेशन बनता है, जो भी आप काम करते हो सब कुछ आपका सोचते हो, अगर ऐसा ना हो एक सेशन दूसरे सेशन से आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, कभी इनकी गलू को ये सेशन शेयर नहीं कर सकता,
सपोज दैट ये चेसर, ये चेसर कभी भी बात नहीं, ना ये चेसर इससे कभी बात, ना ये चेसर इससे कभी बात। अगर इन्होंने बात करना शुरू कर दी बेटा, तो पता चला कि आपको सर्च करके दो रिकॉर्ड लेके आए हो, मैं चार रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो फिर तुमको क्या होगा, तुमको चार देखेंगे, मेरे को चार देखेंगे। हो सकता है कि मेरे पहले सर्च कर लिया और मेरे दो देखे तो आपको भी दो देखेंगे, आपके बर्क्यूल आपकी सर्च होकर चार आने चाहिए, क्योंकि आपका सर्च क्राइटेरिया अलग था, मेरा अलग था। ऐसे तो एप्लीकेशन कभी चल ही नहीं पाएगी ना। इट्स द मेजर रोल ऑफ सेशन एंड एप्लीकेशन। बट फिर एप्लीकेशन क्यों बना भैया? एक ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जो ऑब्जेक्ट एवरी सेशन को हम दे सकें, एवरी सेशन को हम दे सकें हाँ, एवरी सेशन को दे सकें, मतलब कहने वाला एवरी यूजर को हम दे सकें। अभी तो हमने बात की थी एक सेशन की चीज दूसरे सेशन नहीं ले सकते, एक सीधा की चीज आपकी चीज नहीं ले सकता, आपकी चीज में नहीं ले सकता। बट अगर मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जो हम हर एक सेशन के लिए कॉमन रखें, हर एक सेशन के लिए कॉमन रख सकें, तो वो चीज सिर्फ एक ही बार बनेगी, जब आपकी साइट पे पहली रिक्वेस्ट जाएगी। आपने साइट को पब्लिश कर दिया, उस साइट को पब्लिश करने के बाद जब पहला यूजर उस पर हिट मारेगा, जब हिट मारेगा तभी आपका एप्लीकेशन बनेगा। जब एप्लीकेशन बनेगा तो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट शेयर बाय और सेशन, जितने सेशन बने टेजर पे। जैसे आप yahoo.com पर देखते हैं, अभी लॉगिन को आईडी से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर आपको बैनर वगैरह दिखता है, एड दिखता है, आईडी आपकी अलग अलग होगी, आपकी अलग अलग सबके अलग अलग होगी, बट ये मेरा सबके लिए कॉमन होगा, करना सबके लिए कॉमन है। हाउ इज पॉसिबल, जबकि हमने आपसे अभी कहा कि सेशन एक दूसरे की चीजों को शेयर नहीं करता। जब मैं जब गेम होगा तो एप्लीकेशन का ही बनता है। हाँ, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि जब मैंने साइट पे पहली हिट मारी, पहली हिट ऐसे नहीं हम रोज हिट मारे, अभी मैं अपनी साइट को दोबारा से पब्लिश कर दूँ, जैसे पब्लिश करूँगा तो एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, क्यों मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आपकी एप्लीकेशन ऑन एंड हो जाएगी, जैसे ही उस पर पहले बनने की हिट जाएगी, तो उसका सेशन बनने से पहले आपकी एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होगी। क्यों एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होगी तो सेशन कैसे बन जाएगा, तब आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट शेयर बाय और सेशन होगा, और इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने स्टैटिक बिहेवियर पढ़ा होगा, फंक्शन पढ़ा होगा, क्लास पढ़ा होगा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर अचीव होता है स्टैटिक ऑब्जेक्ट। और इसका बेनिफिट क्या होगा, ये बार बार नहीं बनेगा, अगर बार बार बनेगा तो आपकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी ना, ये एक बार बनेगा और वो बना रहेगा जब तक कि आप अपनी साइट को ही बंद ना करें। कहने का मतलब कि कोचिंग जब तक खुली रहता है एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट रहेगा, जैसी कोचिंग बंद एप्लीकेशन ऑन। मैं आपके सामने स्टैटिक ऑब्जेक्ट का बना के दिखा, दोबारा हम होस्ट करते हैं आपको, रेक्टिफाई करके दोबारा से फिर फर्स्ट टाइम जो हिट करेगा, हाँ तब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? तू देखो जब अपने साइट को हम रिफ्रेश करते हैं, डालते हैं, उस टाइम पे फिर माना साइट रिसेट खुलेगी नहीं,
अगर हम जिस टाइप पर अपने सर को पब्लिश कर रहे होते ना, उस टाइप पे आप साइड पे हेड मारना, एरर बोल देगा, फैटल एरर के ये एरर बोल रहा, आपको साइड अपील ओपन नहीं होगी, क्यों? वो आपकी कुछ सेकंड की कंडीशन ऐसी होती है, उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन ऑन एंड हो जाती है। जब आप साइड को पब्लिश कर चुके होते हैं, जब पहला यूजर हेड करता है, तब आपकी एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। यहां पर एक फाइल होती है ग्लोबल डॉट ए एस ए एक्स, कौन सी फाइल? global.as यहां पर देख लिया एप्लीकेशन और ठीक है, एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट और एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन एरर सेशन सेशन एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट पे हम एप्लीकेशन नाम के ऑब्जेक्ट में जिस चीज को डाल देंगे, तो जब तक आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगी तब तक कुछ ही नहीं, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को मुझे दोबारा से नहीं बनाना। अगर कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एंड सर्वर बंद हो गया, हाँ तो एप्लीकेशन स्टार्ट एंड हो गई, तो फिर सर्वर स्टार्ट होगा मान लो, हाँ तो पहले फिर से हमें तो लोड नहीं करनी पड़ेगी, नहीं एप्लीकेशन लोड नहीं करनी पड़ेगी, बट एक आपकी एप्लीकेशन एंड हो जाएगा, फिर वो जो भी हेल्प करेगा कुछ जैसे कोचिंग बंद होगी, क्यों भाई? इसलिए आपने देखा वो कभी कभार बंदों को अपना आईएएस को रिसेट करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है आईएएस को, क्यों? नंबर ऑफ यूजर इतने बढ़ जाते हैं, कितने सेशन बन जाते हैं वहाँ पर, यहाँ मेमोरी फ्री नहीं होती, वो लोग क्या कहते हैं आईएस को रिसेट करते हैं, और आईएस को रिसेट कैसे करते हैं बोलते यहाँ लगोगे आईआईएस इस कंडीशन में कोई भी साइड नहीं खुलेगी आपकी, हेड मारा ना मैंने, ये आपका चाहे 2-3 सेकंड का ही क्यों ना हो, बट इस 2 सेकंड में जितने लोग लॉगिन को लिए बैठे होंगे ना, सबका होम पेज पर डिलीट डैट कर जाएगा, इसलिए हम जल्दी से आईएस को रिसेट नहीं कर सकते, क्यों? मैंने याहू के सर्वर को रिसेट कर दिया और मैं लॉगिन को खोल के बैठा हूं, क्यों? एप्लीकेशन को एंड करते ही ऑल सेक्स सेशन विल बी मतलब डिस्ट्रॉय, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सेशन खत्म हो गए तो आपकी सेशन आईडी वहां रखी है ना, खत्म हो जाएगी, तो यहां तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन को एंड इजीली नहीं कर सकते सर,
इतना बड़ा पंगा हो जाता कि आपको बताऊं, हम लोग ऑफिस में अपने कोड को सर्वर पे डाल नहीं पाते हैं, समझ लो आप। क्यों? जहां सर्वर कोड डाला आया इसको रिसेट करना पड़ेगा, और जहां इसको रिसेट करना पड़ा तो उस साइड के जाने कितने नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे, सबका काम रुक जाएगा भाई साहब। क्लाइंट मुझे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग मुझे टाइम दे रहा है, जैसे यहाँ पे 2-3 बजे टाइम मिल गया था, 2-3 बजे कर लूँ, 2-3 बजे कोई काम नहीं करता होता, तो ऐसे ही लोग अपने यहाँ के हिसाब से मुझे टाइम दे देते हैं कि सर ना आपके यहाँ 3-4 बजेंगे ना तो मेरे यहाँ ये टाइमिंग होगा। अब ना 3 से 4 के बीच में अपने कोड को डाल के आईएस को रीसेट कर देना, कोड को डालने में रीसेट करने में 5-10 मिनट लगने चाहिए, बस 5 से 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगती क्योंकि हम अपने आईएस को ज़्यादा देर तक डिस्टॉप नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं रीच जाना, इसी को हम बोलते हैं साइट को अप करना, इसी को बोलते हैं साइट को लैग करना। इसके लिए हम ये आपको मैंने बताया ना सेशन, और इसके थ्रू नंबर ऑफ हेड निकाल लोगे आप, मैं आपको बताता हूँ बेटा, अभी हम सब बताऊंगा, देखते जाओ। आपके सामने मैं ये दिखाऊंगा आपको कि आपके साइट पे मैं अभी स्टार्ट नहीं कहानी आपको थोड़ा तसली रखो, क्वेश्चन तब क्या करो जब पूरा कंसेप्ट हो जाए, क्योंकि ये तो आपका बता रहा हूँ कि है क्या, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे अपन लोग उसमें। देखा ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट स्टैटिक ऑब्जेक्ट थ्रू एप्लीकेशन, के लिए मुझे global.asax फाइल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहीं पर मैनेज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट कब होती है और एप्लीकेशन ऑन एंड कब। क्या करें इसके लिए, एक काम करते हैं बंदू, जो अपन की टेबल है ना एम्प्लॉय वाली, उसको ऐसे ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जो एवरी डे आपके पास नहीं, क्यों भाई है ना, आईडी खोलते हैं दूसरा आई खोलोगे उस पर आपको मिल जाएगा, बट अब याहू की आईडी को क्रोम पे और आई पे दोनों में खोल सकते हैं, बट सेम ब्राउजर में नहीं खोल सकते, वो आपकी एक ही हेड बोली जाएगी। आप लोग जानते हैं इस चीज को, आप इस चीज को लेकर आपको प्रूफ करूंगा, नंबर ऑफ हेड तो आपको तभी पता चलेंगे नंबर ऑफ हेड, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ स्टैटिक ऑब्जेक्ट देन आपको नंबर ऑफ हेड्स।
ही आपकी एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होगी, वैसे ही एप्लीकेशन के अंदर आपकी डीटी नाम की टेबल आपकी बन जाएगी। कितने भी सेशन आए सबको ये देगा, दोबारा नहीं बनेगा। मतलब इसका बेनिफिट मतलब क्या होगा, दोबारा से ये कोड एग्जीक्यूट बार बार नहीं हो, कितने भी सेशन आ जाए। ग्रिड ले लेता हूँ, ग्रिड क्यों भाई, तभी तो समझ आएगा। जो
स्टेट का अगर बनता है एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट, एक बार बन जाएगा खत्म हुआ, जब तक साइट आपकी बंद नहीं होगी, आईएस आपका बंद नहीं होगा, इसका ये आपका बेनिफिट। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक तो ये ले सकते हैं कि आपका पड़ा हुआ है मेमोरी, आप चाहे हेड मारो सेशन कोई जाए या ना जाए, ये आपका मेमोरी पड़ रहा है। तो भाई आपके सी एस ए कोड क्या होता है? जब आप चाहे तभी आपका एक्सक्यूट होता है ना, जब आप जाते हैं साइट पे, ये क्या है? आप जाओ या ना जाओ,